अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और जैसा कि कल आपको इन्फॉर्म कर ही दिया था कि मेरा लैपटॉप सही हो गया, और आज से मेरा प्रॉपर ब्लॉग आएगा। और आज हम लोग को शादी में भी जाना है, तो वो भी बता दिया था, और कहा था कि आज आपको ये वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि किसके शादी में जा रहे हैं। तो है एक रिलेटिव वहां जा रहे हैं, तो उन्हीं की शादी है, हम लोग के घर के बिल्कुल पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता होगा बस, उतना ही दूर है। तो अच्छा है, आज शाम में जाना है शादी में, लेकिन हालांकि आज बहुत ज्यादा ठंडक हो गई है, बिल्कुल बादल लग गया है, धूप नहीं निकली हुई है, हल्की सी निकली थी फिर बादल आ गया है, तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। और लैपटॉप जल्दी बन गया, बहुत जल्दी, वह तो आपको खैर सारा कुछ बता ही दिया है, अपने जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें तो सब कुछ बता दिया था। और बस फिलहाल तो अभी शादी में जाने की तैयारी करनी है, अभी कुछ नहीं किया है, काम वाम करके अभी जस्ट फ्री हुए हैं। और आज शादी में क्या पहनना है वो बिल्कुल डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। हालांकि सोचा था कि साड़ी पहनेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है शादी में साड़ी पहनना, लेकिन फिर इतनी ठंड में हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन निकाल करके दोनों रखा है, साड़ी भी रखा है और सूट भी रखा है। तो साड़ी का जो ब्लाउज है वो सिलवाया था पहले, तो वो काफी ढीला हो गया था, तो उसको ठीक भी करा करके रखा है। तो आपको दिखाते हैं दोनों में से कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन फिर तो एक ये वाली साड़ी है, तो ये वाली अच्छी सी साड़ी, और इसका बॉर्डर जो है वो इस तरह का है, मैरून कलर का है, और ये निकाल के रखा था, और इसका ब्लाउज भी सही करा के रखा था, क्योंकि जब इसका ब्लाउज सिलवाया था तो मेरा वेट ज्यादा था कुछ, और अभी फिलहाल कम हो गया, तो इसका ब्लाउज फिर काफी ढीला हो गया था, तो सही करा लिया था कि ये पहने, या फिर एक येलो रंग का ये वाला सूट है, तो ये सही फिट है, ये बिल्कुल ठीक है। तो दोनों में से सोचा था कुछ भी पहनेंगे, वाले फिलहाल इरादा था साड़ी पहनने का, लेकिन ठंड को देखते हुए इतनी ज्यादा ठंडक बढ़ गई है कि फिर हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि साड़ी पहनेंगे तो फिर उसके साथ स्वेटर या हुडी उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी सूट के साथ चल जाता है, स्वेटर या हुडर कुछ भी पहन लेंगे तो सही लगेगा। और अभी खाना खा करके धूप में आए थे कि धूप में बैठेंगे, लेकिन धूप का हाल ये देख लीजिए, सूरज तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, बादल के बीच से हल्के हल्का सा झांक रहा है बस, कभी कभी बादल हटता है तो थोड़ा थोड़ा सा धूप आता है, लेकिन बहुत ज्यादा बादल है। वेट कर रहे हैं थोड़ा सा बादल हटे, थोड़ा सा भी धूप आ जाए, और सो गए हैं तैयार, और ऊपर से ये जैकेट पहन लिया, ब्लेजर भी, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। पहले सोचा था कि हुडर पहनेंगे, लेकिन हुडर से ठंडक नहीं जा रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो बस ये वाला ब्लेजर पहना है, और पूरा लुक ऐसा है, आरिस को बोलते हैं, बहुत सही से दिखाएगा कैमरा लेकर के। और बस इस तरह का है, साथ में नीचे चूड़ीदार है और लॉन्ग जंपर है, और साथ में ये वाला ब्लेजर पहन लिया है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन दुपट्टा कैरी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत स्लिप कर रहा है इससे। और बस, और आरिस को दिखाते हैं, आरिस भी तैयार हो गया है, ये रहा आरिस, अपना नया नया जो जैकेट खरीदा है उस दिन वो यही वाला पहना है, तैयार हो गया, पापा भी हो गए हैं तैयार, तो सब लोग हम लोग तैयार हो गए हैं, और नया वाला शूज भी पहना है जो उसने खरीदा था, तो पूरा एकदम रेडी 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 हो गया है। लाल 8 बजने वाला, निकलते निकलते 8 बज ही गया, सोचा था 7:30 बजे, 7:30 के 7 से पहले जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते 8 बज गया है, तो बस अब निकलते हैं, और अब डायरेक्ट जा करके हॉल में ही मिलते हैं आपसे। पम्मी बाजी हैं, तो जो लोग मेरे पहला ब्लॉग देखते हैं वो तो खैर इनको तो पहचानते होंगे। और आज कितने बजे पहुंची दिल्ली से? दिल्ली से हम लोग 4:30 बजे सुबह ही अर्ली इन द मॉर्निंग। आप लोग तेजस से आई है ना, तेजस है ना, वो अपने टाइम से पहले ही पहुंचा देती है, हमेशा वही होता है हमेशा। मम्मी यहाँ गए फिर वहाँ से आप फ्रेश होकर के मार्केट गए, तो फिर 3 बजे 3 बजे चल रहे हैं बाहर, चलिए बाहर चलते हैं, चलो बाहर के देखो। हाँ, और अंदर से ये हॉल कुछ इस तरह का है, यहाँ पर औरतों के बैठने का है, लेडीज के बैठने का, और इसके पीछे जेंट्स के बैठने का है, तो अच्छा सा खूबसूरत सा हॉल है। और फिलहाल अभी चलते हैं बाहर,
और यहाँ पे बॉन फायर हो रहा है तो अच्छा लग रहा है हाथ सेकने में। बाहर में ठंड भी अच्छी खासी हो रही है, थोड़े थोड़े दूर पे एक वहाँ पर भी है उधर, और यहाँ पर भी हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। हालांकि धुआं बहुत ज़्यादा आँख में लग रहा है, पास जा रहे हैं तो आँख में भी लग रहा है। बारात आ गई, अच्छा बारात भी आ गई है और बारात आ गई और बस हम लोग पहुँचे उसके 10 मिनट के बाद बारात आई है, तो हम लोग सही टाइम पर पहुँचा। और पापा इन लोग इधर बैठे हुए हैं, पापा और समर भाई हैं, मिराज भाई लोग सब इधर बैठे हुए हैं। यहाँ पे गपशप चल रहा है और इधर गोलगप्पा मिल रहा है, और अतीब और आरिस गोलगप्पा पे टूट पड़ा है दोनों गोलगप्पा चल रहा है, तो ये लोग गोलगप्पा खा रहा है। और इधर चाट भी है और क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और स्टार्टर में इधर और इधर टिक्की बन रहा है, इधर भी चाट है, ये मंचूरियन है, चाउमीन है और उधर कॉफ़ी है, तो अभी फिलहाल देखते हैं क्या खाते हैं। भैया ये दे दो चाउमीन और मंचूरियन, थोड़ा सा देख दें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस। और एक ग्रेवी नहीं, ग्रेवी नहीं, सिर्फ मंचूरियन साइड में, बस हो गया, ठीक है। और ले लिया चाउमीन और मंचूरियन, फिलहाल इसको इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे और क्या खाएंगे। और हम लोग अभी यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं, तो वैसे है तो पूरा खुला हुआ लेकिन अच्छा लग रहा है, लोग सब हैं और इधर बोन फायर हो रहा है तो उतनी ठंडक नहीं लग रही है, घर में ज़्यादा ठंडक लगती है। हालाँकि हम लोग खुले में ही बैठे हुए हैं ना, लेकिन उतनी ठंडक नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठने में। और ये सना है, शारमिन आपी की बहू और इसी की बहन की शादी है, तो पूरा डिटेल आपको नहीं बताया था कि किसकी है, तो इसी की बहन की शादी है और ये इसकी छोटी बहन है और अभी यहाँ पे दिखाया जाएगा डाली, तो डाली मीन्स के जो लड़के की तरफ से लड़की का कपड़ा आता है या फिर रिसेप्शन का जो कपड़ा आता है वो लड़के की तरफ से आता है, तो वो सब अभी यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो इसमें अभी पैक है और बारात आ चुकी है, तो बारात के साथ ही ये सब आता है, और वो जो रेड कपड़ा नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये रिसेप्शन का कपड़ा है, तो ये पूरा पैक है और इस पर रेड कलर का लग रहा है और दबके का वर्क है, तो और ये सब में पता नहीं ये सब में क्या रहता है, इन सब में क्या, तेल और ड्राई फ्रूट्स, अच्छा इस समय तेल ड्राई फ्रूट्स, तो ये सब इसमें रहता है। और इसमें अभी कपड़ा होगा तो खैर वो खुलेगा जब, तो आपको दिखाएँगे। और ये सामने दूल्हा बैठे हुए हैं, तो इधर से हर इधर लोगों का जेंट्स का है, तो खैर हम तो उधर नहीं जा पा रहे हैं तो यही सब को दिखा रहे हैं, तो ये सामने दूल्हा है और बस अब निकाह होगा। चिकन है ना, हाँ ले रहे हैं। और अभी लिया है चिकन कबाब, तो उसके साथ ग्रीन चटनी है, टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा है खाने में। और स्टार्टर ही खा करके पेट फुल हो गया, और अभी फ़िलहाल कॉफ़ी लिया है क्योंकि ठंड भी लग रही है, वैसे हॉल में अंदर में उतनी ठंड नहीं है, बाहर वो ज़्यादा है, तो अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। 1000 रुपये सिक्का सुखना तय किया है, जिसके गवाहान जनाब उमर रजी साहब बिन सैयद मोहम्मद कबुल इस्लाम साहब रमना मुजफ्फरपुर व जनाब अदनान बारी साहब बिन सैयद मोहम्मद इरशाद साहब न्यू मिल्लत कॉलोनी सेक्टर 2 फुलवारी शरीफ पटना है। क्या आप अपने निकाह पढ़ाने की मुझे इजाज़त देती हैं और अपना वकील भी निकाह मुझे बनाती हैं, कहिए मैं याद देती हूँ। निकाह हो गया, लड़की से इजाज़त ले लिया गया, और उसके बाद फिर लड़के से इजाज़त लेने के लिए, लड़के से पूछने के लिए अब गया है मौलाना, तो अब उनसे पूछा जाएगा और उसके बाद फिर शादी कंप्लीट। और लड़की से इजाज़त लेकर के आ गए और अब लड़के का निकाह हो रहा है, तो अभी लड़के को घड़ी वगैरह अंगूठी जो भी पहनाया जाता है वो सब पहनाया जा रहा है, और उसके बाद फिर निकाह होगा। मौलाना लड़के से इजाज़त लेंगे कि उनको उसे कबूल है या नहीं है, उसके बाद फिर शादी कंप्लीट हो जाएगी। पटना, लड़के का नाम है तौसीफुर रहमान, उनके वालिद मोहतरम का नाम है जनाब जमीलुर रहमान साहब,
रिटायर्ड जिला जज समयपुरा राजा बाजार पटना। यूं तो गवाह तमाम हाल में मजलिस है, लेकिन बिलखसूस लड़के का नाम है तौसीफ रहमान, उनके वालिद मोहतरम का नाम है जमीलुर रहमान साहब, रिटायर्ड जज जिला जज समनपुरा राजा बाजार पटना, और मार की रकम है 1,01,000 रुपए से खेरा गिर वक्त। यूं तो गवाह तमाम हाजिर मजलिस हैं, लेकिन बिलखसूस दो का तस्करा किया जाता है। पहले गवाह हैं जनाब उमर रजी साहब, इनके वालिद मोहतरम का नाम है जनाब सैयद मोहम्मद कमर इस्लाम साहब, इनका पता रामना मुजफ्फरपुर। दूसरे गवाह है जनाब अदनान, इनके वालिद मोहतरम का नाम है जनाब सैयद मोहम्मद इरशाद साहब, इनका पता है न्यू मिल्लत कॉलेज सेक्टर 2 फुलवारी शरीफ पटना। और मेरा नाम मोहम्मद सैफुर रहमान हुआ, मैं इमारत शैया फुलवारी शरीफ पटना में मुफ्ती हूँ। जनाब तौसीफ रहमान साहब गौर से सुनिएगा, मैंने बहसीत वकील समा गौहर बिन सैयद मोहम्मद इरशाद साहब को बैवनार 1,01,000 रुपए से किराया लेते वक्त इलावा नान नफा उठना आपकी ज़ौजियत में दिया, जिसके गवाह तमाम हाल में मजलिस हैं, बिलखसूस जनाब उमर रजी साहब बिन सैयद कमर इस्लाम साहब व जनाब अदनान बारी साहब बिन सैयद मोहम्मद इरशाद साहब, आपने कबूल किया। मैंने कबूल किया। और अब डाला दिखाया जा रहा है, निकाह हो गया और शादी कंप्लीट, और अब फिलहाल ये सब जो आया है वो दुल्हन के पास जाएगा। तो यहाँ पे पहले जो लोग हम लोग जैसे जो लोग बैठे हुए हैं तो उनको ये सब सारी चीज़ दिखाई जाएगी खोल करके। ये शहाना है और ये वाला कपड़ा अभी दुल्हन चेंज करेगी पहनेगी, तो ये लड़के की तरफ से आता है, तो अभी ये छापा नहीं है, वर्क किया हुआ है, तो अभी ये दुल्हन के पास जा रहा है। और ये सब कपड़ा सब है जो लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए आया है। ये बटुआ है और ये लड़के वालों की तरफ से आता है, और निकाह के बाद सारे महफिल में जितने लोग बैठे रहते हैं सबको दिया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या रहता है, क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर लुकुम रहता है, आजकल क्या है लुकुम है, और क्या चॉकलेट है, और क्या मखाना है, और खजूर है, तो ये सब चीज़ रहता है। और बटुआ बहुत अच्छा सा लग रहा है देखने में। और शादी ख़त्म हो गई और अब जा रहे खाना खाने के लिए। यहाँ पर आए तो बोन फायर हो रहा है, बस लगता है कि बोन फायरी में के पास जाके खड़े हो जाए, लेकिन हालांकि बहुत धुआं हो रहा है, आँख में बिल्कुल धुआं लग रहा है, और ठंड में ये बोन फायरी की राहत है। और फिलहाल सामा का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। पता नहीं कहाँ अंदर है, अभी आ रही थी साथ में, इधर ही रुक गई है। जाओ ना आरिस, हला मम्मी को बुला के लाओ। नहीं नहीं तो इतना पास मत आओ, दूर रहो, नहीं तो लग जाएगा कपड़े में, तो कपड़ा फट जाएगा। पर अब आ गए खाना खाने के लिए, तो पहले खाना खाते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और इधर तंदूरी रोटी गरम गरम निकल रही है। खाना पीना हो गया और हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से पान खाएंगे, तो यहाँ पर फायर पान मिल रहा है, तो अब फायर पान खाते हैं।
अरे कोई दिक्कत नहीं, खाओ ना। अब पापा पान खाने जा रहे हैं, लेकिन फायर नहीं खाएंगे, सिंपल ही वाला खाएंगे। इधर आइए, खुले से पान देते हैं। और हो गया, पान भी हो गया सबका, सब लोग पान खा लिया। हम तो खैर पान नहीं खाया और बस हम निकलते हैं घर को। काफी टाइम हो गया, 10:30 हो गया और आरिज नहीं खाया फायर पान। उसको डर लग रहा था कि मुंह ना जल जाए। अजीब सिर्फ ट्राई किया और साइमी लोग सिंपल पान, हम तो सिर्फ सॉफ्ट खाया, हम पान नहीं खाया। और बस फिलहाल अब घर के लिए जाएंगे, घर जाएंगे। काफी टाइम हो गया, 10:30 हो गया। टाइम हो रहा है 10:30 का, घर आ गए हम लोग और बड़ा मजा आया। शादी में सब लोगों से मुलाकात हुई और बस फिलहाल अब इस व्लॉग को एंड करेंगे। उम्मीद है शादी वाला व्लॉग आपको अपने लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।